गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे पादपों में खनिज पोषण, और इसमें हमने कल काफ़ी बात कर ली थी। जो मोटी मोटी समरी थी इस पाठ की कि कौन सा तत्व वृहद है, कौन सा सूक्ष्म है, और प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं, द्वितीय तत्व कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी वाले, और मध्यमवर्ती तत्व कौन कौन से होते हैं, और लाभदायक या जो कारात्मक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने कल फोकस किया था और उनको हमने लिखा भी और समझा भी। इसी क्रम में मैं आज का टॉपिक है पादप पोषण में बृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। जो हमने जो तत्वों के नाम पढ़े, उन तत्वों के अंदर जो प्रत्येक तत्व है उसका क्या क्या महत्व है पौधों के लिए, उनकी जो लाइफ साइकिल है पौधों की, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनकी एक ही तत्व की अपन लेंगे और एक तत्व को पढ़ेंगे। ज़्यादातर इस जो अपन जर्नल अध्ययन करेंगे वो तत्वों का स्रोत किस प्राप्त, तत्व पौधों किस रूप में प्राप्त होता है, और वह मृदा में किस रूप में मिलता है, और उसका एक आध दो तीन इम्पोर्टेंस ही पढ़ेंगे कि भाई पौधों के लिए किस किस संरचना में उपयोगी होता है, या पौधों के लिए कैसे लाभदायक होता है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो किसी तत्व की जो कमी है उससे कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम हर एलिमेंट्स के साथ पढ़ेंगे, हर जो एलिमेंट्स है उसको लेकर के अपन यही बात करने वाले हैं। स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, वायुमंडल में किस रूप में पौधे उसको अवशोषित करते हैं, और एक आध दो उसका इम्पोर्टेंस महत्व, और इसके अलावा उसकी कमी के लक्षण कि वो तत्व अगर नहीं होता है, पौधों को नहीं मिल पाता है, तो उस तत्व से कौन कौन से लक्षण पौधों के अंदर शो होते हैं। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं पहले तत्वों से। पहले जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैं इनको एक साथ ले रहा हूँ, क्योंकि तत्व कैसे हैं बेटा, ये तत्व वो कैसे हैं, अखनिज तत्व हैं, खनिज तत्व है, मतलब ये खनिज नहीं है, लेकिन हालांकि ये अनिवार्य तत्व हैं लेकिन खनिज तत्व नहीं है, अनिवार्य तो हैं। लेकिन खनिज तत्व नहीं है, तो कैसे तत्व है, एक खनिज तत्व है। अच्छा, कार्बन की बात करूं तो कार्बन बच्चों, जो कार्बन होता है पौधों को, वह वायुमंडल से जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस रूप में पौधे प्राप्त करते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है O2, उसको जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन दोनों रूपों से प्राप्त करते हैं। जो कार्बन का जो विखंडन होगा CO2 का, तो कार्बन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगी, तो पौधे जो O2 है उसको ग्रहण कर लेंगे, और O2 तो वैसे भी जो वायुमंडल होती है उससे प्राप्त कर लेते हैं कौन, पौधे। तो O2 का जो पौधे प्राप्त करते हैं CO2 के रूप में प्राप्त करते हैं, और O2 के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्राप्ति पौधों के लिए जल से होती है, जो जल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो उसको पौधे क्या करते हैं, H2O अर्थात H धनायन प्लस OH नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या होती है, पौधे इस जल से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो जो जल है उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये किस तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, और ये तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे मृदा से अवशोषित नहीं करते हैं, मृदा से अवशोषित नहीं करते हैं, बल्कि किससे करते हैं बेटा, बल्कि जो वायुमंडल है और जल है उससे प्राप्त करते हैं पौधे, ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त करेंगे या फिर जल से प्राप्त करेंगे। तो इसलिए किस तत्व है, वो अखनिज तत्व हैं। तो पौधे इनको किससे करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करेंगे या जल से प्राप्त करेंगे, जो हमने भी देखा है, ठीक है। तो ये तत्व अपन के एक साथ हो गए तीन तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद अगला तत्व आता है बच्चों, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है कि ये तत्व हो गए बेटा तुम्हारे, तीन तत्व हो गए, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन तत्व ने साथ पढ़ लिए हैं। तो अनिवार्य तत्व है लेकिन अखनिज तत्व हैं, ठीक है। इनकी पौधों को वायुमंडल से और जल से प्राप्ति हो जाती है। अगला है नंबर तीन, ये हो गए चौथा तत्व ले रहे हैं अपन,
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम एन से शो करते हैं, नाइट्रोजन प्रतीक क्या बच्चों, एन। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और नाइट्राइट NO2 नेगेटिव नाइट्राइट। तो पौधे इनको जो स्रोत होता है नाइट्रोजन का स्रोत, NO3 नेगेटिव अर्थात नाइट्रेट और NO2 नेगेटिव नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त कर। और उसके अलावा और अमोनिया, अमोनियम जो आयन होता है उनसे भी जो नाइट्रोजन है वो पौधों को प्राप्त होती है। तो इस रूप में क्या करते हैं पौधे, इनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, वायुमंडल के अंदर ये मतलब जो है नाइट्रेट मिलेगी, नाइट्रेट मिलेगी और नाइट्राइट मिलेगी, और क्या हो गया अमोनियम जो आयन है उनसे पौधे होते हैं अगर इनको प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस देखें, वो क्या उपयोग है पौधों के लिए। तो जो आपको पता है नाइट्रोजन तो वैसे भी सभी तत्वों क्या होता है, अनिवार्य तत्व है। हमारे अंदर नाइट्रोजन है, बहुत से तत्व है, प्रोटीन है, वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए अमीनो अम्लों कॉमा प्रोटीन, अमीनो अम्लों प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके अलावा पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, इनमें क्या होता है उपयोग होता है। और विटामिन डी, सॉरी विटामिन विटामिन एवं हार्मोन, हार्मोन के क्या हैं, हार्मोन के मुख्य घटक हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो जो पौधों के अंदर जो अमीनो अम्ल हैं उनका निर्माण नहीं होगा। अगर अगर अमीनो अम्ल नहीं बनेंगे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन संश्लेषण है, वो किससे होता है बच्चों, अमीनो अम्लों से बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट क्या हुई, अमीनो एसिड्स। तो नाइट्रोजन की कमी से अर्थात नाइट्रोजन अमीनो अम्लों कॉमा प्रोटीन कॉमा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए कॉमा पर्णहरित और विटामिन और जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं उनके अंदर ये क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, उपयोग होता है, उनका मुख्य घटक है अर्थात उनकी संरचना करता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उनका निर्माण करता है, अर्थात इनकी तत्वों के अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का उपयोग होता है, इनके स्ट्रक्चर बनाए या फिर जिनका रोल है वो नाइट्रोजन के रूप में होता है। तो ये क्या हल्का सा उपयोग हो गया। अब अपन देखें बेटा कि जो इसके अलावा उनको पता है कि जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक जिनको अपन क्या कहते हैं, खाद कहते हैं देसी, वो खाद अलग है, उस कौन सा वाला गोबर वाला, ये कब बात कर रहे हैं अपन, किसकी, रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक का जो मुख्य स्रोत क्या है, नाइट्रोजन। अर्थात जो रासायनिक उर्वरक है उसमें क्या होता है बेटा, जो यूरिया होता है रासायनिक उर्वरक के रूप में जो यूरिया है, तो यूरिया का जो मुख्य कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन। तो ये दो उपयोग हुए हल्के से किसके, नाइट्रोजन के। स्रोत तो क्या है पौधों के लिए, नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त करते हैं पौधे। उपयोग क्या हो गया, अमीनो अम्लों के रूप में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन अमीनो अम्ल को प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और पर्णहरित विटामिन हार्मोन के जो क्या है, नाइट्रोजन मुख्य घटक है। और जो रासायनिक उर्वरक अर्थात यूरिया का क्या है, यूरिया यूरिया मुख्य रूप से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। कितना होता है मुख्य रूप से वायुमंडल में यूरिया, इतना होता है, कितना यूरिया होता है, 78% है ना, या फिर नाइट्रोजन कह सकते हैं कितनी, 78%। अच्छा, अब देखो इससे कमी से कौन कौन से लक्षण होंगे। तो नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो उस कमी के क्या होंगे बेटा, कुछ लक्षण होंगे। तो देखिए कौन कौन से लक्षण होते हैं कमी के, इसके कारण अगर नाइट्रोजन की पौधों में कमी होती है तो लक्षण होते हैं, एक तो होती है हरिमहीनता, जो पत्तियां होती हैं बेटा पौधों की, पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में हरिमहीनता, हरिमहीनता इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोसिस, क्लोरोसिस है ना, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोसिस। अर्थात जो तो क्लोरोफिल है, इसका समझो इसको, इस मतलब हिंदी वर्ड तो आप लोग कठिन लग रहा है, लेकिन इसको समझो इसको, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल,
है ना, क्लोरोफिल। तो जो सिस मतलब विघटन होना, टूटना, डिसोसिएशन होना, है ना, टूटना बोलता हूँ चलो आपके लिए। तो जो हरिमा ईथर के अंदर क्या होता है, जो पौधों की जो मुख्य संरचना है पत्ती के अंदर या फिर हरे भागों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो उस जो क्लोरोफिल है वह जो नाइट्रोजन है इसकी कमी से क्या होगा, वह टूट जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा। तो वो उसे क्या बोलेंगे बच्चों हिंदी में, हरिमा हिंता, इंग्लिश में बोलेंगे क्लोरोसिल्स। तो पत्तियों में जो हरिमा हिंता है वह दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है, हर महीनता दिखाई देने लगती है। अर्थात पत्तियाँ कैसे होती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों का जो रंग है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। हर महीनता कारण क्या होता है, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी या फिर क्या हो जाएंगी, गुलाबी हो जाएंगी, पत्तियाँ एवं गुलाबी रंग की हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो गुलाबी रंग क्यों हुआ, एक वर्णक है बच्चों एंथो साइनिन, कौन सा वर्णक है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां कैसे हो जाएंगी, हरमाइंत हो जाएंगे, अर्थात क्लोरोसिस होगा। और जिससे जो एंथोसाइनिन वर्णक है उसका निर्माण होगा, जिससे पत्तियां क्या हो जाएंगी, गुलाबी रंग की हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा देखो दूसरा लक्षण क्या है इसकी कमी से, जो पौधों की जो पार्श्व कलिकाएं हैं, पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है, प्रसुप्ति अर्थात मतलब क्या है, जो पौधों की जो साइड की शाखाएं हैं, ये वाली ये सब कौन शाखा, पार्श्व शाखाएं हो गई है। तो पार्श्व जो कलिकाएं निकल रही हैं उनकी क्या होती है, प्रसुप्ति बढ़ जाती है, अर्थात वो नहीं फैलती हैं, मतलब नहीं निकलती हैं इससे। तो क्या होती है, वो पार्श्व ये प्रसुप्ति स्टेज में पहुंच जाती हैं। तो पार्श्व शाखाएं इस नाइट्रोजन कमी से क्या होती हैं, नहीं निकलती हैं। और जिससे क्या हो जाता है, पौधे क्या होते हैं, पौधा पौधा या पौधे बौने रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन लक्षण थे हमारे पास नाइट्रोजन कमी से, जो पौधों के अंदर क्या होते हैं, शो होते हैं। पहला कौन सा है, पत्तियों में हरमाहीनता अर्थात क्लोरोसिस या जो क्लोरोफिल है वो टूटेगा। तो ये जो लक्षण है इसे कहेंगे क्लोरोसिस, ये हिंदी में कहेंगे क्लोरोफिल, हरमाहीनता। तो पत्तियों में नाइट्रोजन कमी से क्या होता है, हरमाहीनता दिखाई देने लगती है। और इसके अलावा पत्तियों में जो एंथोसाइनिन वर्णक है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे पत्तियाँ गुलाबी रंग की हो जाती हैं। और पार्श्व कलिकाओं की जो प्रसुप्ति है वो बढ़ जाती है ना, और जिससे पौधे क्या हो जाएंगे, बौने रह जाएंगे। तो ये कमी के लक्षण थे तीन। और स्रोत तो क्या होगा पौधों के लिए, नाइट्रेट, इस रूप में पौधे प्राप्त करते हैं इसको, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में या फिर अमोनियम आयन के रूप में। उपयोग क्या हो गया, जो विभिन्न प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं, कॉम प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पर्णहरित है, विटामिन है, ये क्या है, हार्मोन है। इनका क्या है, जो इनकी स्ट्रक्चर है, उनकी जो क्रियाएँ होती हैं उनमें जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं यूज आता है, तो जिसका क्या है, मुख्य घटक है। इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक है उसे बोलते हैं यूरिया, जो यूरिया का मुख्य कंपाउंड क्या है, ये नाइट्रोजन ही है ना। नाइट्रोजन कितनी मिलती है वायुमंडल में, 78%। ओके बेटा, तो ये तत्व कौन सा हो गया, नाइट्रोजन तत्व हो गया, तत्व कौन सा हो गया, नाइट्रोजन चौथे नंबर का। तीन हमने पढ़ लिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनको हमने एक साथ पढ़ा, और चौथा तत्व है नाइट्रोजन। ओके, अब इसी क्रम में चल रहे अपन, अगला तत्व है बेटा फास्फोरस, नंबर पांचवा का तत्व है फास्फोरस। अपन यही काम, सब में जो एलिमेंट्स हैं, सब तत्व हैं, वो ऐसे पढ़ेंगे सभी को, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आता है वो जनरली क्वेश्चन आएगा कि पौधे जो नाइट्रोजन है उसको कैसे, किस रूप में प्राप्त करते हैं, या फिर इसकी कमी से कौन कौन से पौधों के अंदर लक्षण शो होते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा बस, है ना। तो अपन को डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हालांकि आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें उपयोग वगैरह है, बुक में बहुत ढंग से दे रखे हैं, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, है ना। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो ठीक है, पर्याप्त है, हालांकि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। तो नंबर पाँच में आता तत्व बेटा, उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस को अपन जो एक अक्षर है पी, उसके द्वारा क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, इसको दिखाते हैं। पौधे होते हैं ये जो फास्फोरस है, देखो जितने भी सब एलिमेंट्स हैं, सब तत्व हैं,
उनका मुख्य स्रोत जो स्रोत है वो तो क्या है, मृदा तो है ही है। सभी का स्रोत क्या है बेटा, मृदा। तो स्रोत तो वैसे ही सभी का क्या है, स्रोत हो जाएगा इसका मृदा। सभी जो पादप हैं, सभी जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को मृदा तो सभी का क्या है, मुख्य स्रोत है, मृदा से प्राप्त करते ही करते हैं। इसके अलावा उनके कुछ और आयन हैं, और जो स्रोत हैं उस रूप में क्या करते हैं, वो जो पौधे होते हैं वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो फास्फोरस है उसको ये जो क्या करते हैं, एकार्बनिक फॉस्फेट आयन, एकार्बनिक फॉस्फेट आयन, जैसे बात करूं मैं, जैसे कि H2PO4- एवं HPO4-। तो ये सब क्या है, एकार्बनिक, क्या ये फॉस्फेट है ना, हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रही है तो कार्बन को मतलब नहीं, तो क्या हो गया, एकार्बनिक फॉस्फेट आयन। ये सब क्या है, फॉस्फेट आयन। तो पौधे स्रोत तो है मृदा है ही है, इसके अलावा जो पौधे होते हैं वह एकार्बनिक फॉस्फेट आयन होते हैं, उस रूप में जो फॉस्फोरस होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, अवशोषण, क्योंकि टूटेंगे तो हाइड्रोजन अलग आयन अलग हो जाएंगे, फॉस्फेट से जो वो फॉस्फोरस उसको प्राप्त कर लेंगे पौधे, और जो O2 है वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएंगे अर्थात टूट जाएंगे, तो फॉस्फेट रूप में प्राप्त कर लेंगे पौधे और इधर से प्राप्त कर लेंगे, तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गए, ठीक है। तो एकार्बनिक फॉस्फेट आयन है जैसे H2PO4 और HPO4 के नेगेटिव रूप में जो पौधे होते हैं वह फॉस्फोरस हुआ करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों उसके उपयोग, थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं, जो उपयोग है फॉस्फोरस का पौधों के लिए वो किस किस रूप में, देखो बेटा, देखो जितने भी न्यूक्लिक अम्ल हैं कौन से हैं, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा, डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए, इनमें क्या होता है बेटा, इनके अंदर आपको पता है पेंटो शर्करा होती हैं, क्या होती हैं, पेंटो शर्कराएं, एक में होती है राइबो शर्कराएं, है ना। तो उनकी जो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे आगे, या आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा सेल के अंदर, तो उसमें वो दे रखे हैं टॉपिक डीएनए और आरएनए, तो उसमें अपन की जो बेसिक इनकी स्ट्रक्चर देखें डीएनए आरएनए की, तो वहाँ पर पेंटो शर्कराएं होती हैं, क्या होती हैं, पेंटो शर्कराएं, वो किससे बनी होती हैं, वो जो फॉस्फोरस है उससे बनी होती हैं, ठीक है। तो उपयोग कौन सा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, क्या होती है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, कोमा एक और है फॉस्फोलिपिड के निर्माण में, फॉस्फो लिपिड के निर्माण में, है ना, जो फॉस्फोलिपिड है उसका निर्माण किससे होता है, फॉस्फोरस से होता है, कि उसमें नाम क्या हो रहा है, फॉस्फो अर्थात फॉस्फोरस, और लिपिड मतलब लिपिड, फॉस्फोरस प्लस लिपिड क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं फॉस्फोरस क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, लिपिड के निर्माण में क्या बन रहा है, फॉस्फेट बन रहा है, तो न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में कोमा डीएनए आरएनए हो गए तुम्हारे, ये चीज़ें, और जो फॉस्फोलिपिड उसके निर्माण में जो फॉस्फोरस है वो उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अपन देखें आगे, एक एंजाइम है को एंजाइम, इसे क्या बोलेंगे, को एंजाइम, अगर इसमें ए लगा तो उसे बोलेंगे को एंजाइम ए, है ना। तो मैं बात जनरली अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ को एंजाइम ए या फिर को एंजाइम, है ना। तो जो कोएंजाइम है वो कौन कौन से हैं, NAD, कौन से हैं, NAD, और एक है NADP, और एक है बेटा ATP। अब देखो इनकी पूर्ण नाम अपन देख लेते हैं, चरणलिपि आगे भी आएंगे एक चीज़ें, तो यहीं तो अपन देख लेते हैं इनको। देखो निकोटिनामाइड एडिनिन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो एनडी का पूरा नाम क्या है बेटा, एनडी का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन, डी से होगा डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड, ये नाम पूरा है किसका, एनएडी का। और ऐसे अपन देखें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट, क्या हो जाएगा, डाइड इसमें रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ हो जाएगा फॉस्फेट,
क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। ये किसका नाम हो गया? एनएडीपी का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगला है एटीपी, इसको आप जानते हो, एडेनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये तीन क्या है बेटा? ये हमारे कोएंजाइम है। क्या है ये? कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम बोलते हैं या फिर कोएंजाइम ए बोलते हैं, की बात है ना। तो ये जो तत्व है एनएडी और एनएडीपी और एटीपी, इन तत्वों के निर्माण में भी जो फास्फोरस है वो क्या होती है? उपयोगी होती है। इन तत्वों के जो निर्माण की बात करें या फिर जो इनका जो उपयोग है वो किस में होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है। किस में होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अर्थात इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन है ना। और देखें अपन कि जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कोमा श्वसन कोमा फैटी एसिड सिंथेसिस, अर्थात वसीय अम्लों के निर्माण में। ये जो कोएंजाइम है वो इनका उपयोग होता है, अपन पढ़ेंगे आगे के निर्माण में इनका उपयोग होता है ना। देखिए आगे होता है एकदम, क्यों? क्योंकि जो इसके अगले चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण आ रहा है, श्वसन आ रहा है, तो वहाँ पर चीज़ों का अपन काम पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो एनएडी है, अर्थात एनएडी एनएडीपी और एटीपी, इनके पूरा नाम पता ही है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका पूरा हो जाएगा फॉस्फेट, लास्ट फॉस्फेट हो जाएगा, इसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या है बेटा? फॉस्फोरस काम आता है ना, यहाँ भी फॉस्फोरस है, यहाँ भी फॉस्फोरस। तो उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें क्या होता है? फॉस्फोरस काम आता है। और इसके अलावा ये जो कोएंजाइम है एनएडी एनएडीपी और एटीपी, ये ऑक्सीकरण अपचयन और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन वसीय अम्लों का जो निर्माण होता है, उनके निर्माण में जो इनका चक्र चलता है वहाँ पर इनका उपयोग होता है, और उसमें क्या होती है? फास्फोरस काम आती है। ठीक बेटा, तो ये तुम्हारे क्या हो गई? कोएंजाइम ए हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका इनका भी क्या होता है? फास्फोरस में उपयोग होता है। अब आते हैं बेटा कमी के लक्षण, कि भाई फास्फोरस की अगर पौधों में कमी होती है तो कौन कौन से लक्षण शो होते हैं, कौन कौन से जो करैक्टर्स हैं वो शो करते हैं। देखो जनरली देखते हैं अपन, देखो पौधे बोने या गहरे रंग के होते हैं। अगर पौधों में जो फास्फोरस की कमी होती है तो पहला लक्षण होता है पौधे या तो बोने रह जाएंगे, पौधे बोने या गहरे रंग के हो जाते हैं, या तो पौधे बोने हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? गहरे रंग के हो जाएंगे, गहरे हरे रंग के हो जाएंगे है ना। और पत्तियों में क्या हो जाएगा बेटा? इसके अलावा पत्तियों में गहरे हरे रंग के, एवं पत्तियों में क्या होगा? पत्तियों में एंथोसाइनिन जो वर्णक अभी बना था वहां पर, उसका भी क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, पत्तियों में किस तरह होता है? पत्तियों में एंथोसाइनिन जो वर्णक है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है? और इसके अलावा देखो पत्तियां तो पीली पड़ जाएंगी या फिर कैसे हो जाएंगी? गुलाबी रंग की हो जाएंगी है ना, पीली पड़ सकती हैं और गुलाबी रंग की हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके जो रंग है वो चेंज हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या है यहाँ पर? जो पौधे होते हैं उनमें अगर अत्यधिक कमी होती है तो उन पत्तियों में या उन क्षेत्रों में क्या होता है? ऊतक क्षय स्टार्ट हो जाता है। तो अत्यधिक कमी से क्या होता है? अत्यधिक कमी से जो ऊतक क्षय होता है पत्तियों का, पत्तियों एवं फलों में ऊतक क्षय, ऊतकों का क्या होता है? क्षय स्टार्ट हो जाता है, ऊतक क्षय क्षेत्र।
अर्थात मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर कमियाँ होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पत्तियों की जो पत्तियाँ होती हैं या फिर फल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऊतक ऊतक क्षेत्र स्टार्ट होता है। अर्थात जो ऊतक होते हैं सेल्स के, पत्तियों के, फलों के, तो वहाँ टिश्यू का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण क्या है, वो लक्षण है बेटा कि जो पत्तियाँ होती हैं क्या होती है, बिगड़ जाती हैं। हमको पता है ऊतक क्षय होगा तो क्या पत्तियाँ बिगड़ेंगी, तो पत्तियों की जो स्ट्रक्चर है, पत्तियाँ पत्तियों की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, पत्तियों की जो संरचना है, संरचना में क्या होती है, संरचना में विकृति आएगी, विकृति पैदा हो जाती है। भाई ऊतक क्षय हो रहा है पादपों का, पत्तियों का, फलों का, तो जाहिर सी बात है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, बिगड़ेगी, तो उसे बोलेंगे विकृति, पत्तियों की संरचना विकृति हो जाएगी। और एक और लक्षण है कैम्बियम, आप लोगों ने 11वीं पढ़ा बेटा कैम्बियम, बताओ क्या होता है कैम्बियम, कैम्बियम से क्या होता है बेटा, कैम्बियम से जो पौधों की द्वितीय वृद्धि होती है, सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पर जो तत्व कौन सा है, फास्फोरस से अगर कमी होती है तो जो कैम्बियम की सक्रियता क्या होती है, कम हो जाती है, कैम्बियम की सक्रियता, एक्टिवेशंस सक्रियता कम होने से पौधों की द्वितीयक वृद्धि प्रभावित होती है, क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि प्रभावित होती है। भाई पौधों के अंदर कैम्बियम भी अगर नहीं होगी तो कैम्बियम की जो सक्रियता घट जाएगी, पौधों के अंदर जो कैम्बियम होती है वो क्या करती है, पौधों को सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि करवाती है। तो अगर इस तत्व की कमी है फास्फोरस की, तो जो कैम्बियम की सक्रियता है वो घट जाएगी या फिर कम हो जाएगी, जिससे जो पौधों की जो सेकेंडरी ग्रोथ है, द्वितीयक वृद्धि, वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है। ठीक बेटा, तो ये थे कुछ लक्षण, कमी के लक्षण थे, पौधों के पौधे क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे या फिर उस पौधे गहरे या फिर हरे रंग के हो जाएंगे, और पत्तियों में एंथोसायनिन वर्णक है उसका निर्माण हो जाता है। और अत्यधिक अगर कमी होती है पौधों के अंदर, तो पत्तियों के अंदर क्या होता है, पत्तियों और जो फलों के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो ऊतक का जो ऊतक है उसका क्या होता है, क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, ऊतक क्षय क्षेत्र बन जाते हैं, और पत्तियों की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो क्या होती है, उससे विकृति पैदा होती है। भाई ऊतक का अपन उनका क्षय हुआ तो विकृति होगी, पैदा होगी उसके अंदर स्पॉट, वो क्या नाम है, उनकी जो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी पत्तियों की, है ना। और इसके अलावा कैम्बियम की जो सक्रियता है वो घट कम हो जाती है, इससे पौधों की द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, प्रभावित होती है। तो बेटा ये था फास्फोरस स्रोत, जनरली सभी जो एलिमेंट्स किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से करते हैं, तो ये भी किससे कर रहा है, मृदा से कर रहा है, इससे भी किसको करते हैं, मृदा से। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, जो पौधे होते हैं वो एकार्बनिक फॉस्फेट आयन के रूप में, जैसे कि H2PO4 HPO4 के रूप में जो पौधे होते हैं, जो फास्फोरस होता है उसका अवशोषण करते हैं, उपयोग हमने देखा है अभी, DNA RNA है अर्थात इनको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, उनके निर्माण में और जो फॉस्फोलिपिड है उसके निर्माण में उपयोग होता है कौन, फॉस्फोरस। इसके अलावा कोएंजाइम है, जैसे NAD है, NADP है, ATP, अभी पूरा नाम लिखे हुए आपके सामने, तो कोएंजाइम है, इनके जो स्ट्रक्चर है अर्थात इनको ऊर्जा प्रदान करने में भी क्या होता है, फॉस्फोरस काम आता है। इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं रसायन विज्ञान बायो के अंदर, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, फैटी एसिड सिंथेसिस है, उसके निर्माण में क्या होता है बेटा, उनके निर्माण में प्लस इन क्रियाओं में जो फास्फोरस है या फिर कोएंजाइम ए है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगर कोएंजाइम भाग लेंगे तो जो फास्फोरस है वो भी तो है या जो यूज होगा, ठीक है। और ये अभी लक्षण देखेंगे हम लोगों ने, तो क्या हो गया, कॉमी के लक्षण, ठीक बेटा। तो ये हमारे कौन सा हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस प्राथमिक तत्व है, नाइट्रोजन क्या है, प्राथमिक तत्व है। अब एक और बच रहा है इसमें कौन सा, पोटेशियम, ठीक बेटा, ये हमारा कौन सा हो गया, फास्फोरस। अब अगला देख रहे हैं अपन, अगला हम तत्व देख रहे हैं बेटा पोटेशियम, अगला तत्व है छठवां नंबर का पोटेशियम, इसको अपन डिनोट करते हैं के से,
है ना। जो पोटेशियम होता है उसका भी स्रोत क्या है बेटा? मृदा। आपको पता है सभी का स्रोत क्या है? ये तो आप कॉमन कॉमन पॉइंट है, तो है ना, कॉमन क्या है ये पॉइंट। मृदा से क्या है? स्रोत। स्रोत हो जाएगा इसका मृदा। जनरली सभी तत्व किस स्रोत होते हैं? मृदा स्रोत होते हैं, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, तो सामान्य बात है, ये मृदा स्रोत होता है। इसके अलावा ये जो पोटेशियम जो इसका जो अवशोषण होता है, क्या होता है इसका अवशोषण होता है? इसका अवशोषण होता है बेटा, पौधे इसको अवशोषण करते हैं किस रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? पोटेशियम आयनों के रूप में। ठीक है, पोटेशियम आयनों के रूप में जो पौधे होते हैं क्या करते हैं? इसको अवशोषण करते हैं। अच्छा, अब इसका एक आध उपयोग देख लें अपन, वही उपयोग होगा अपन का। देखो जो रिनायन होते हैं, क्या होते हैं? रिनायन। रिनायन को उदासीकरण करना, उदासीकरण अर्थात न्यूट्रलाइजेशन करना। और इसके अलावा कला अभिगमन क्रिया, जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन या कोश का झिल्ली है ना, तो इसे बोलते हैं कोश का झिल्ली। कोश का झिल्ली है ना, या फिर इसको एक और नाम वो होगा कोश का कला, है ना। झिल्ली बोल सकते हैं अपन, झिल्ली बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? कला बोल सकते हैं। तो कला भी ठीक शब्द है, कोश का कला अभिगमन। देखो क्या होता है कोश का कला अभिगमन, अर्थात जो कुछ पोटेशियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, वह जो कोश का झिल्ली होती है, कौन सी? किसी कोश का की, तो कोश का भित्ति, ये कोश का झिल्ली। ठीक है, तो जो पादप कोशिकाओं के अंदर कोश का झिल्ली है उसको क्या कर लेते हैं? वो पार कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं, या फिर इंटर कर जाते हैं, या फिर ऑक्सपोर्ट आ जाते हैं ना। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोश का कला होती है, उसको आर पार कर सकते हैं, अभिगमन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? कोश का कला अभिगमन। अब मैं देखूँ अगला है एंजाइम सक्रियन। एंजाइम सक्रियन, जितने भी एंजाइम हैं, कुछ एंजाइम हैं, उनको क्या करता है? पोटेशियम आयन या पोटेशियम सक्रिय करता है, उनको सक्रिय रूप से सक्रिय रूप में बनाए रखता है। और या फिर परासरण विभव, परासरण विभव, परासरण विभव में बेटा उपयोगी है। कोमा, हमने देखा उसमें कि जो रंध्र होते हैं, रंध्रों को खोलने बंद होने में, रंध्रों की जो गति होती है उनको प्राप्त करता है, तो रंध्रों को खोलने एवं बंद होने में सहायक, बंद होने की क्रिया में, है ना। और इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, उस क्रिया में क्या होता है? पोटेशियम आयन भूमिका निभाते हैं अपने। और बीज एवं फलों के सामान्य वृद्धि में, जो बीज होते हैं पौधे के अंदर, तो बीजों एवं जो फल होते हैं, फलों की सामान्य सामान्य वृद्धि के रूप में ये काम करते हैं। देखो कितने सारे काम बताए आपको मैंने। देखो जो रिनायन होते हैं, बहुत सी क्रियाएँ होती हैं जो रिनायन बनते हैं, तो रिनायन की जब जरूरत नहीं पड़ती है किसी कोशिका को या किसी रिएक्शंस को, तो रिनायन को क्या करते हैं? वो धनायन कर देते हैं, अर्थात जो उदासीन कर देते हैं, है ना। तो पोटेशियम आयन जो रिनायन होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा? उदासीन कर देते हैं। इसके अलावा कोशिका कला अभिगमन, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके आर पार ही पोटेशियम आयन जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम सक्रियता, जो जितने भी एंजाइम हैं, कुछ एंजाइम हैं, उनको जो पोटेशियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं? सक्रिय रखते हैं, सक्रिय रूप से कार्य करना। परासरण विभव में क्या होता है? परासरण विभव में जो एंजाइम, वो सॉरी पोटेशियम आयन है, वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो रंध्रों की क्रिया होती है, रंध्रों की जो गति होती है, रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में, है ना, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होते हैं। बीजों एवं फलों की जो सामान्य वृद्धि होती है वो कौन करता है? कराता है बेटा पोटेशियम, कराता है पोटेशियम आयन कराते हैं। तो इसका क्या होगा? इस जर्नली उपयोग हो गया। अब हम देखें बेटा कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, अगर पौधों के अंदर पोटेशियम आयन नहीं होंगे तो कौन कौन से लक्षण पौधों के अंदर दिखाई देंगे? तो देखो पहला है, सबसे पहले जो तरुण पत्तियां होती हैं, परिपक्व पत्तियां होती हैं, परिपक्व
पत्तियां, कुर्मृत। कुर्मृत मतलब अर्थात टेढ़ी मेढ़ी आती है, इसका मतलब क्या है? टेढ़ी मेढ़ी। कुर बोलते हैं ना, कुर टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं उसको। कोई कोई व्यक्ति को कुबड़ हो जाता है तो क्या होता है, कुबड़ ऐसा होता है उस व्यक्ति को, तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जो परिपक्व पत्तियां होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? कुर्मृत हो जाती हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा और इनमें क्या होती है बेटा, अगर कुर्मृत हो जाएंगी तो और क्या होगा उसके अंदर? जो हरिमाहीनता है, हरिमाहीनता, हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं। कौन करते हैं? पत्तियां करते हैं। ठीक है, कौन करती हैं? पत्तियां। क्योंकि पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उनकी जो सरफेस है वो तो क्या हो गई? टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो जो उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी जो स्ट्रक्चर वो बिगड़ गई, तो जो हरिमाहीनता है वो सो हो जाएगी। उसका क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा क्लोरोफिल। तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? हरिमाहीनताहीन या क्लोरोसिस की अवस्था शो करेंगे। तीसरा जो लक्षण है वो क्या है? वो है पौधों के अंदर जो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगती है। जो पौधे होते हैं अगर उसमें पोटेशियम आयन की कमी होती है तो जो रोग होते हैं, विभिन्न वेक्टर्स होते हैं, डिजीज होती हैं, उनको क्या करते हैं? वो लड़ने में सहायक नहीं होते हैं। अर्थात तो जैसे कोई रोग आया तो वो जल्दी क्या होते हैं? रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पोटेशियम आयन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या होते हैं? कम करने में सक्षम नहीं होते हैं। अर्थात उनकी जो क्षमता होती है कौन सी? रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात डिजीज रेसिस्टेंस पावर, वो क्या उसमें क्या होती है? कमी आने लगती है। तो तीसरा लक्षण हो गया। अगला देखें, तनों की जो ग्रोथ है, भाई पत्तियां प्राप्त हो रही हैं तो पत्तियां प्राप्त होंगी तो, और ये रोग अगर हो रहा है तो तनों की जो वृद्धि है वो खत्म हो जाएगी। तनों की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। तनों की वृद्धि रुक जाती है। एवं जो पौधा होता है वो कैसा होता है? पौधा छुप के समान, छुप बोलते हैं तो झाड़ी, छुप के समान दिखाई देने लगता है ना। तो ये तीन लक्षण थे। पहले अपन स्रोत बात करते हैं। जो पहला स्रोत क्या है? जो जर्नली सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका स्रोत क्या है? मृदा। जर्नली से प्राप्त करते हैं। अवशोषण कौन करते हैं? अवशोषण जो पौधे होते हैं वह वायुमंडल से पोटेशियम जो आयन होते हैं, या मृदा होता है, सॉरी मृदा से जो पोटेशियम आयन होते हैं उनके रूप में प्राप्त करते हैं। उपयोग क्या है इसका? जो ऋणायन होते हैं उनको उदासीनकरण करना, जो कोशाकलाप जो मेम्ब्रेन होती है उसको अभिगमन करना, उसको आर पार जाना, ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम सक्रियता को बनाए रखना, पराश्रम विभव को बनाए रखना, कोमा रंध्रों की जो गति होती है उनको खोलने बंद होने की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, या जो बीज और फलों की जो सामान्य वृद्धि है उसको बनाने में कौन सा सहयोग होता है? पोटेशियम आयन सहयोग होता है। अब लक्षण देखें अपन थोड़ा सा इसके। अगर पोटेशियम आयन की पौधों के अंदर कमी होती है तो कौन कौन से लक्षण शो होते हैं? तो सबसे पहले जो मैच्योर पत्तियाँ होती हैं, परिपक्व पत्तियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? कुर्मृत अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे कुबड़ में उनके अंदर कुबड़ हो गया हो, ठीक है। तो अगर पत्तियां कुर्मृत हो जाएंगी तो उनकी जो वो है हरित लवक वो भी डिस्टर्ब होगा, तो पत्तियां हरिमाहीनता भी क्या करेंगी? प्रदर्शित करेंगी। और पौधों के अंदर जो रोग क्षमता है उसको रोकने की, रोग प्रति क्षमता है क्या होती है? वो नष्ट हो जाती है, उसमें कमियाँ लगती है। तो ये पत्तियां प्राप्त हुई, हरिमाहीनता शो कर रही हैं, पत्ते पौधे क्या हुआ? रोग रोगी हुए। तो इससे क्या होगा? तनों की जो वृद्धि है वो क्या रुक जाएगी? तने की जो लंबाई वो रुक जाएगी। तो तने की लंबाई नहीं रुक बढ़ने से पौधा एक छुप के समान दिखाई देता है, अर्थात झाड़ी के समान दिखाई देता है। ठीक बेटा, तो ये थे पोटेशियम आयनों का अवशोषण और उनका उपयोग और उनकी कमी के लक्षण। ठीक है, तो हमने बेटा आज पढ़े हैं अभी कि जो प्राथमिक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक
पोषक तत्व हैं एनपीके, उनके बारे में हमने पढ़ा है ना, एनपीके के बारे में पढ़ा है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों क्या हैं, प्राथमिक पोषक तत्व पढ़े हैं और इनकी हमने क्या है खूब व्याख्या की है अच्छी तरह से। तो जनरली ये हमारा क्या है, कौन से हो गए बेटा, ये प्राथमिक पोषक तत्व हो गए तीन। अब देखो एक बार सुन लो आप, तो आप लोग जो अपने हमने पढ़े हैं अभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको कहते हैं क्या एनपीके, अर्थात इनको कहते हैं अपन क्या, प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं इनको, आपको पता है इस चीज़ को, है ना, मैंने आपको बताया है। तो और इसके अलावा ये तत्व होते हैं, इन तत्वों की बेटा मृदा में क्या होती है, हमेशा ही कमी रहती है, इन तत्वों की हमेशा ही क्या होती है, हमेशा ही कमी बनी रहती है, हमेशा कमी क्या रहती है मृदा में इनकी, क्यों क्यों होती है, क्योंकि ये जो उपयोग है, ये जो पौधे हैं, पौधे इन तत्वों की क्या करते हैं, बहुत अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ही कमी रहती है क्योंकि पौधे इनका उपयोग सबसे अधिक करते हैं, सबसे अधिक करते हैं, सबसे अधिक उपयोग करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कोई चीज़ हो उसका अपन ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगी, उसकी कमी हो जाएगी। तो वही बात पौधों के साथ है कि जहाँ पौधे उस स्थान पर उग रहा है तो वहाँ की जो मृदा होती है उस मृदा में ये तत्व क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, शुरू में तो खूब होते हैं उस स्थान पर, लेकिन जो उपयोग अगर इनका बढ़ेगा तो उस मृदा में क्या होगी, कमी बनी रहेगी, मृदा में क्या होती है, कमी बनी रहती है हमेशा ही, इसलिए क्यों क्यों होती, क्योंकि इनका उपयोग क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इन तत्वों को बेटा कहते हैं क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, इसलिए जो एनपीक तत्व हैं इनको बेटा कहते हैं, ये को नाम है क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रांतिक, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आंसर आएगा एनपीके, अगर क्वेश्चन आता है क्रांतिक तत्व कौन कौन से हैं तो भी वही आंसर आएगा एनपीके, अगर क्वेश्चन आता है क्रांतिक तत्व एनपीके को क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि एनपीके जो एनपीके की क्या होती है, मृदा में हमेशा कमी रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि ये पौधों के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए क्या होती है मृदा में कमी बनी रहती है, इसलिए इनको क्रांतिक अर्थात क्रांति पैदा करने वाले क्रांतिक तत्व कहते हैं, ठीक बेटा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किनके साथ, जो प्राइमरी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो ये अपन को क्या हो गया, एनपीके के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।